दीवारें अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, दीवारें जो करी जा रही है अपनी गंदगी, अपनी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दीवारें की जा रही है। गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। देखिए वहाँ जो महाराष्ट्र में जो झूठ बोला है उसे छुपा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं ट्रंप जी आ रहे हैं, उनको मोस्ट वेलकम शाहीन बाग अहमदाबाद में जो आ रहे हैं, हम शाहीन बाग में उनको मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि शाहीन बाग हमारे सबके लिए जान है। शाहीन बाग सबके लिए जान है क्योंकि शाहीन बाग को पूरा दुनिया इसको फॉलो कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से एक भी शब्द गलत शब्द चला जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग, हमारे लिए जान दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो झुग्गी झोपड़िया का घर है, वो चारों तरफ चारों रास्ता की दोनों साइड में झुग्गी झोपड़िया का घर है, ये छुपाने के लिए दोनों साइड में ये दीवारें खड़ा कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाला वो गरीब लोग जो है उनको दिखाई ना दे, गरीब को हटाओ प्लीज, उनको दिखाई ना दे कि हमारे अच्छी अच्छापन जो है वो दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छी बात है कि हम दिखेंगे अच्छापन, जस्ट एक मिनट में बता रहा हूँ। अच्छी बात है कि इंडिया की जो अच्छी बात उनको दूसरे की लोगों को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा करके नहीं कि अपना खराबी जो है वो छुपा के और दूसरों को अच्छी बात दिखाना है। उनको घर बना के, बिल्डिंग बना के, उनको सेटल करके इसके बाद दिखाओ ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अपनी नागरिक के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, ये देखो मेरे भारत की जो नागरिक है वो भूखा नहीं मर रहे, वो अच्छा काम कर रहे, वो मेरे 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 को फॉलो करता है, ये दिखाइए ना। दीवार लगा के क्यों छुपा रहे हैं अपनी कामयाबी? जो लगा रहे हैं ये अपनी अपनी गंदगी छुपा रहे हैं, अपनी गंदगी छुपा रहे हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दीवारें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, विकास जो था सबके नाम सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर एक ही का विकास हो रहा है सिर्फ RS का और किसी का विकास नहीं हो रहा। ये अपनी गंदगी छुपाने के लिए दीवारें करा रहे हैं कि यहाँ पर हम अच्छाई दिखाएं, RS अपनी कमजोरियां छुपा रही है यहाँ पर सारी। कुछ साथी कह रहे हैं कि वेलकम टू ट्रंप इन शाहीन बाग, तो क्या शाहीन बाग अगर ट्रंप आते हैं तो आप किस तरह से वेलकम करेंगे, क्या नजरिया परसेप्शन क्या है? हमारा नजरिया है वेलकम है, आइए हमारी परेशानियां देखिए, हमारी कमजोरियां देखिए, हमें क्या परेशानी है यहाँ पर, वो हमारे उनको बुलाएंगे, उनको सर आपको बिठाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। मोदी साहब क्यों आएंगे भाई, वो तो चोर है तो आएंगे क्यों? वो भाई चोर IP का भी आएगा, बताइए चोर कभी आएगा? वो चोर कहेगा कि भाई चोरी करिए, इसलिए वो चोर है, वो नहीं आ सकते, नहीं वो खुल के सामने हमारे आ सकते और ना वो कभी आएंगे। अंकल जी जिस प्रकार से वहाँ दीवार करी गई है और कहा जाता है कि मोदी जी तो विकास पुरुष हैं, हाँ तो विकास ही तो कर रहा है, पूरे देश को बेच रहा है, इससे अच्छा और क्या विकास करेंगे? ये विकास ही तो है, सारा देश बेच दिया उन्होंने और उसके क्या में अंबाजी जो है उसके तलवे चाट रहे हैं। गुजरात मॉडल दिखा करके इन लोगों ने चुनाव लड़ा, अगर वास्तव में गुजरात इतना विकसित था तो गुजरात में जो झुग्गी झोपड़ी उसको छुपा क्यों रहे हो? चाइना ने चीन की दीवार खड़ा किया और नरेंद्र मोदी शर्म की दीवार खड़ा कर रहे हैं। ये वही नरेंद्र मोदी जिसने कहा था कि गरीबी एक मानसिकता है, अगर तुम गरीब हो तुम ये सोचने लगो कि तुम अमीर हो तो अमीर हो जाओगे। जैसे लोग कहते हैं कि जाति कुछ नहीं होती एक मानसिकता है, वैसे लोग कहते हैं गरीबी एक मानसिकता, दरअसल गरीबी हकीकत है, इससे दो चीज आता है, गुजरात मॉडल जो प्रस्तुत किया गया वो झूठा है, दूसरा चीज कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरता है इसलिए भारत की गरीबी को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ा कर रहा है। तो वो ट्रंप जी को अपना एक निमंत्रण देके आए थे कि आप इंडिया आइए, तो वो निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया है और वो अब 24 तारीख को इंडिया आ रहे हैं, तो वो एक हमारे मेहमान हैं और हम लोग मेहमान नवाजी के लिए पहले से ही मशहूर हैं, हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है, और फिर हमारा सबसे ज़्यादा प्राउड है ताजमहल, तो वो ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, वो ताजमहल के लिए भी आ रहे हैं। अब रही बात गुजरात अहमदाबाद दौरे की उनकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 20 साल के लगभग हो गए हैं वहाँ पे, बीजेपी की सरकार चली आ रही है,
आपने पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाया है कि गुजरात मॉडल से हमने कितना विकास किया है और उसी के सारे 2014 में आप भारत की सत्ता पे आसीन हुए। एक गुजरात मॉडल को ही आपने एक्सप्लेन किया पूरे हिंदुस्तान में, तो देश की जनता ने आपको लाइक किया, पसंद किया, और उस गुजरात मॉडल जनता ने देखा नहीं, मीडिया ने, आप लोगों ने ही सारी दुनिया को दिखाया है कि गुजरात में बहुत विकास हुआ। लेकिन वो गुजरात का विकास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से सफा दिखाई दे रहा है कि आपको एक दीवार करनी पड़ रही है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। नाकामियां जितनी भी आपने पिछले 20 साल में नाकामियां रही हैं, उसको एक गरीबी, देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द 90% देश में पहली बार नहीं हो रहा कि विकास को छुपाया जा रहा है। विकास को छुपाया जा रहा है, ऐसा है, छुपाया जा रहा है। मेरे बड़े भाई के साथ जो अगर कहीं देखिए, अगर कहीं दीवार की जाती है तो वो एक पर्दा है, और पर्दा जब ही किया जाता है जब कोई चीज गलत उसके दिखाने की कोशिश होती है। तो आप लोग उस पर्दे को देखें या दीवार को देखें या विकास को देखें, ये आपका नजरिया है।